न्यू ईयर पे हम लोग का ड्यूटी लगा है, हितेश का लगा ब्लड बैंक में और शिवम का भी ब्लड बैंक में। हम अभी गायनी ओटी जा रहे हैं, आप लोग को दिखाते हैं। कहाँ है ये देखिए, BNC वार्ड इधर है न्यू बिल्डिंग तरफ, और सीधे ब्लड बैंक और MCH है, उसी में गायनी ओटी है। आज उधर ही जाएंगे हम, मेरा ड्यूटी उधर ही लगा है। देख लीजिए सामने से दो स्टूडेंट आ रहे हैं, हमारे बैचमेट ही हैं, दीपक बीरेंद्र। कहाँ ड्यूटी लगा है? रेडियोथेरेपी में है। और तुम्हारा बीरेंद्र? न्यू बिल्डिंग में है दोनों का। ये रहा MCH बिल्डिंग, MCH बिल्डिंग में ही गायनी ओटी चलता है। MCH का पूरा नाम मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल है, इसी में गायनी है। स्टेयर से होते हुए हम लोग ओटी रूम जाएंगे। इस सामने इंचार्ज रूम दिख रहा होगा आप लोगों को, इधर बगल से इंचार्ज रूम के बगल से होते हुए जाता है ओटी रूम, जो कि इधर है सामने दिख रहा होगा आपको। ओटी वही ओटी रूम है। देखिए ओटी रूम हम पहुंच गए, ओटी रूम टू होगा लिखा हुआ, देखिए टू है लिखा। ये ऑपरेशन थिएटर का अंदर का व्यू है, रूम के अंदर का व्यू है। ये सामने बेड लगा हुआ है, दो लाइट, और ये सामने जो बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को और ट्रॉली, इसमें सारा मेडिसिन रहता है और बोर्ड पे सारा जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज होता है ऑपरेशन के टाइम में वो लिखा रहता है, कितना नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज हुआ है वो सारा कुछ। और ये सर्किट बोर्ड है जिसमें ऑक्सीजन और सारा देखा जाता है, इस पर टाइमिंग भी इस पर देखा जाता है। और सामने मॉनिटर है, उसमें ऑक्सीजन रेस्पिरेशन और ये सब पल्स देखा जाता है, वो सारा मॉनिटर करता है। और लाइट का यूज होता है ऑपरेशन का टाइम में। हम लोग का ड्यूटी का टाइम ख़त्म हो चुका था, 12 बजे हम लोग का ड्यूटी का टाइम हो जाता है, तो 12 बजे हम लोग को जाना पड़ता है हॉस्टल, 2 बजे से क्लास रहता है। तो हम लोग निकल चुके थे हॉस्टल की ओर, और आज हम लोग ओटी में बहुत कुछ सीखे, कौन सा इक्विपमेंट कब यूज होता है, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट का, कौन सा इंस्ट्रूमेंट का क्या यूज है, सारा कुछ। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।